और ये स्कूटर भी जो है अब E20 के सपोर्ट में आने वाला है। स्कूटर में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो कि किसी सेगमेंट में आपको नहीं मिलता है, कोई भी इनिशियल की लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो गाइज, ये है 2023 की न्यूली अपडेटेड होंडा एक्टिवा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब इसमें आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि सेगमेंट के बाहर हैं। E20 और OB2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको 2023 में क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, क्या माइलेज है और इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको क्या मिल जाती हैं, साइड डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी फ्रंट की लुक दे दूँ, तो फ्रंट से आप इसके यहाँ के हेड हैंडल के डिज़ाइन को देखेंगे तो फ्रंट में आपको इसमें मिल जाता है स्पीड LED का सेटअप हाई बीम लो बीम के साथ में। बाकी यहाँ पर मिल जाते हैं बल्ब वाले हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर, और ये इसका पर्ल प्रीसियस वाइट कलर है जो कि देखने में काफ़ी शानदार सी लुक आपको निकाल के देता है। बाकी जो इसका फ्रंट का वाइजर है, इसके ऊपर में आपको होंडा की ब्लैक कलर में स्टिकरिंग मिल जाती है। बाकी फाइबर बॉडी में यहाँ पर नंबर प्लेट लगवाने का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। बाकी जो फ्रंट का इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देखते हैं तो ब्लैक भी आपको यहाँ पर फाइबर बॉडी का टचअप मिल जाता है। बाकी साइड पर भी आपको क्रोम मिल जाएगा, और इसका जो मड गार्ड, ये आपको मेटल बॉडी का मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। बाकी फ्रंट में आपको मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ में। और फ्रंट की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो 130 यानी कि 130 मिलीमीटर की मिल जाती है आपको इसमें ड्रम ब्रेक कॉम्बी ब्रेकिंग के सिस्टम के साथ में। बाकी MRF कंपनी का एक यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल की मैं अगर बात करता हूँ तो वो आपको मिलने वाली है इसमें 90x90 सेक्शन का टायर मिल जाता है, और 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं कुछ इस पैटर्न के। और इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस वाला टायर मिल जाता है, इसकी ग्रिपिंग आप फ्रंट से भी देख सकते हैं। बाकी बैक में भी आपको कार्बन फाइबर की डिज़ाइन मिल जाएगी, और इस साइड से अगर आके दिखा दूँ इसकी पूरी प्रोफाइल तो साइड वाइज ऐसी कुछ आपको ओवरऑल इसकी प्रोफाइल मिलने वाली है। बाकी 162mm की मिल जाती है इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। बाकी इसका लेग स्पेस तो सेगमेंट में बेस्ट रहता ही है। बाकी इसके टैंक के ऊपर में आप देखते हैं तो एक्टिवा का 3D में लोगो है क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में। बाकी H Smart लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं रबर कवरिंग के साथ में, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है क्योंकि सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर में बेस्ट फीचर्स आपको मिलते हैं। बाकी एक मफलर गार्ड यहाँ पर दे रखा कंपनी ने, और जो इसकी ग्रैब रेल है वो आपको मिल जाती है सिल्वर की फिनिशिंग में। और ये स्कूटर भी जो है अब E20 के सपोर्ट में आने वाला है, तो इसमें भी आपको E20 OB2 का सपोर्ट मिलता है, तो ये भी आप फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी अब आपको E20 का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी सीट के बैक की बात करता हूँ तो होंडा की बैजिंग मिल जाती है वाइट कलर में, और 5.3 लीटर की मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और टेल लाइट आपको हेलोजन बेस्ड मिलती है हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर के साथ में, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और बैक का मड गार्ड कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। बाकी बैक में भी आपको 130mm की मिल जाती है ड्रम ब्रेक, और बैक के टायर की अगर प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ तो मिल जाता है आपको 90/110 यानी कि बैक में आपको 10 इंचेस के अलावा मिलते हैं, फ्रंट में आपको 12 इंचेस के मिल जाते हैं। और इस साइड से आप देखते हैं तो इसकी काफ़ी सही सी लुक आती है। और ये बाइक में स्कूटर में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो कि किसी सेगमेंट में आपको नहीं मिलता, क्योंकि इसमें अब आपको ये वाली की मिल जाती है यानी कि H Smart जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 वेरियंट्स के साथ में अवेलेबल है, 6 कलर ऑप्शन के साथ में। पर्ल पीसेस वाइट कलर आपके सामने खड़ा हुआ है, बाकी एक आपके सामने खड़ा हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर। ये ज़्यादा ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलता है देखने में, और 6 कलर आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं इस की बारे में बात करता हूँ तो एक यही इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है क्योंकि इसकी की का डिज़ाइन आप देखिए कुछ इस तरीके की है, होंडा की बैजिंग है। इसमें आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक का ऑप्शन फाइंड माय की का, और यहाँ से आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके जो फ्रंट के, अगर मैं आपको इसको पहले बंद करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप इसको नीचे वाले को ऑप्शन को प्रेस करते हैं, ये फाइंड माय व्हीकल वाला ऑप्शन है, सिंगल प्रेस में आपके इसके जो फ्रंट के टर्न इंडिकेटर हैं ये देखिए, और बैक के अपना ग्लो करते हैं, तो इसको आपको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। बाकी 692 यानी कि 692mm की मिल जाती है सीट की लेंथ, और इसके कंफर्ट की बात करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और सीट इसकी काफ़ी बड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। और इस साइड पर आपको मिल जाता है कैरी हुक, बाकी यहाँ पर आप देखते हैं तो कोई भी इनिशियल की लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ से सीट और फ्यूल, बाकी यहाँ से आप इसको फाइंड करके अपना की ओपन कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। बाकी यहाँ पर भी आप अगर इस साइड पर आके देखते हैं तो एक्टिवा का 3D में लोगो H Smart के साथ में, यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और यहाँ से आप इसके पूरे हेड हैंडल के डिज़ाइन को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं अगर आपको इसका बेस्ट फीचर बता दूँ जो मैंने आपको बताया कि कैसा आपको मिलता है, तो ये देखिए आप यहाँ पर है, अभी की यहीं पर है पास में, 2 मीटर की रेंज में अगर की रहती है तो आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी उसके बाहर जाते ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। तो की आपके सामने रही, बाकी अगर मान लीजिए यहाँ इनिशियल की नहीं, तो इसको आप सिंगल टाइम में प्रेस करते हैं अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो की फाइंड हो चुकी है, यानी कि की अभी मतलब पास में है, तो इसका मतलब है कि की फाइंड हो चुकी है। और अगर आप इसको सिंगल टाइम रोटेट करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो वगैरह ऑन हो जाते हैं, और अगर आप सिंगल टाइम रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप इसकी सीट और फ्यूल को ओपन कर सकते हैं। सीट अभी ओपन हो चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरीके का मिल जाता है आपको इसमें बूट स्पेस, इसका बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। बाकी सीट अगर बंद करते हैं
सीट आराम से बंद हो चुकी है। बाकी अगर मैं इस साइड पर और एक बार रोटेट करूँगा तब इसका मीटर कंसोल जो है वो ऑन हो जाता है। तो अगर आप इसका मीटर देखते हैं तो मिल जाता है कि आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर मिलता है, फ्यूल गोज वाला मीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच आपको इस साइड पर मिलता है। इस साइड पर आपको की वाला भाई मैंने आपको बताया था फीचर, चेक इंजन की लाइट मिल जाएगी, बैटरी वोल्टेज और टर्न इंडिकेटर के ऑप्शंस आपको इस साइड पर मिल जाते हैं। और अगर मैं वहीं आपको इस साइड से आके इसके स्विचेस के बारे में दिखा दूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम का स्विच, पासिंग के साथ में टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और हॉर्न। बाकी बार एंड्स हैं और इसके जो लीवर्स हैं ब्रेक के वो आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के। और वहीं अपोजिट में आप देखते हैं अगर तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका इंजन ग्रिल का स्विच शेल्फ के साथ में। बाकी इसमें साइलेंट स्टार्ट विद ACG मिल जाता है, यानी कि अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी ये सब फीचर्स में आने के बाद तो सेगमेंट से हट के ये बाइक स्कूटर जो है बन जाता है। बाकी यहाँ पर होंडा की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ से आप इसके मीटर को देखिए, जब आप इसका मीटर की इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट वगैरह भी ऑन हो जाती है। बाकी स्पीड LED का सेटअप था, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। बाकी फ्रंट में भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो क्रोम का टचअप मिल जाता है जो कि इसको थोड़ा सा अच्छा एक लुक देने के लिए अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पर भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता था। तो चलिए मैं अब आपको इस साइड से आता हूँ और इसके इंजन के बारे में बताता हूँ कि क्या इसका इंजन मिल जाता है, क्योंकि 2023 में अपडेशन के बाद तो इसके इंजन से इसकी परफॉर्मेंस पता चलने वाली है। तो इसमें मिल जाता है 109.51 cc का फैन कूल 4-स्ट्रोक ऐसा ही इंजन जो कि रिलीज करेगा 7.84 PS की मैक्सिमम पावर 8000 RPM पर, और 8.90 NM का टॉर्क रिलीज करता है आपका ये 5500 RPM पर, जो कि इसका पावर फिगर है काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। चलिए अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं कि 2023 में क्या इसका प्राइस होने वाला है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको पड़ जाती है एक्स शोरूम के साथ में कानपुर में 81,438 यानी कि 81,438 की ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम पड़ जाती है कानपुर में। वहीं अगर मैं आपको शोरूम का एड्रेस दे दूँ तो ये अपना है एक्सिस होंडा जो कि जूही कदम सकेत नगर में पड़ता है। यहाँ से आप आके कोई भी होंडा की बाइक वगैरह परचेज कर सकते हैं। सो कुछ ये थी इसको ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।